बोलिए लाडली लाल की। ये भक्त की सिद्धि है, बिना मांगे भगवान पीछे लगे हैं उसको सिद्धि का काम लाभ देने के लिए। रोज पी लिया, अब एक नाथ को जब प्रत्यक्ष ये सब देखने को मिला तो ज्ञानेश्वर जो है बहुत खुशी आए, क्योंकि ये जितनी सिद्धियां हैं तपश्चर्या से मिलती हैं, इनका जितनी बार प्रयोग करो ये कम होती जाती है और एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो भक्त की सिद्धि स्वयं भगवान हो जाते हैं, इसलिए वो मुक्ति रूपी सिद्धि भी उनको अपने आप दे देते हैं। भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवत बरियाई। तो सिद्धो भवती अमृतो भवत। अब तीसरा है तृप्तो भवती, तृप्त हो जाता है। ज्ञानी लोग भी कहते हैं धन्योहम कृतकृत्योहम तृप्तोहम शुद्धोहम बुद्धोहम विमुक्तोहम। तो ये तृप्त जो होते हैं ज्ञानी लोग और तृप्त होते हैं भक्त लोग, इन दोनों में कोई अंतर है? हाँ, ज्ञानी की तृप्ति की एक दशा है, एक दशा एक सी सदा शांत रस है, ब्रह्मानंद है, संसारी सुख नहीं है, लेकिन एक सा स्थिर। और भक्त की तृप्ति कैसी होती है? भक्त की तृप्ति का मतलब प्यास बढ़ती जाए, तृप्ति प्यास, तृप्ति प्यास, तृप्ति प्यास। ऐसी तृप्ति नहीं कि वही रुक गया, ऐसा नहीं। जैसे आप खाना खाते तो तुष्टि पुष्टि सुध पायो अनुघातम, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रण्यत्र चै सत्रिक एक काला। ये तृप्ति खाना खाते हुए, तृप्ति पहले उसका नाम पुष्टि और फिर उसके बाद पुष्टि, फिर क्षुण निवृत्ति सुधा की निवृत्ति। तो ये जो तुष्टि पहले कहा गया, आप जब खाना खाते हैं तो पेट पे हाथ चलाते हैं तृप्त हो गए, माने आप नहीं खाएंगे, चाहे रसगुल्ले का बाप लाओ, तृप्ति हो गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अतृप्ति और फिर उसी चीज को खाने को आप ललचाते हैं। एक हाफ मैड राजा था, उसको जायके का इतना शौक था कि और कोई काम धाम नहीं था, बढ़िया बढ़िया चीज मंगावे खाए और 10 मिनट बाद उल्टी कर दे और उसके बाद कुल्ला उल्ला करके फिर जायका लेने के लिए खाए, फिर उल्टी कर दे फिर जायका लेने के लिए खाए, जायका मिलता जाए उसको। आप बैठा वरना इतना लेबर क्यों करे कोई? तो ज्ञानी की तृप्ति एक रस रहती है और भक्त की तृप्ति भी है और आगे प्यास भी है। इसीलिए किशोरी जी के स्वरूप का वर्णन ही किया है ऐसा कि प्यारी जूपो रूप, प्यारी जूपो रूप, मानो प्यास ही को रूप है, मूर्तिमान प्यास किशोरी जी है।
तो प्रतिक्षण वर्धमान वगैरह परिभाषा आगे किया है नारद जी ने प्रेम की, तो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता जाता है तो बढ़ेगा कैसे? अगर तृप्ति हो जाएगी तो वही रुक जाएगा, स्टॉपेज हो जाएगा, पूर्ण विराम। तो प्रेम में पूर्णिमा नहीं होती, चंद्रमा की तरह बढ़ता तो जाता है लेकिन पाया में पूलो नहीं। इसलिए भक्त की तृप्ति प्यास युक्त है, उसी का नाम तृप्ति। इसी प्रकार उनका अमरत्व भी ऐसा नहीं है कि इंद्रिय मन बुद्धि मर गए और आत्मा तो अमर ही है, नहीं, इंद्रिय मन बुद्धि भी है और अमर होकर परमानंद का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा अमृत होता है। तो उस भक्ति को प्राप्त करके वो अमृत स्वरूपा भक्ति अंतरंग जिसका निरूपण किया गया और परम प्रेमारूपी भक्ति बहिरंग निरूपण किया, इन दो लक्षणों वाली भक्ति जो पा लेता है वो सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। फिर उसके आगे क्या होता है ये फिर बता।